लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर है कसरावद से, जहां कसरावद नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष परिषद सभी पार्षद गण द्वारा नगर के शासकीय कन्याशाला मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक स्कूल का भ्रमण कर स्कूलों में जो कमियां हैं उनको लेकर व सीएमओ को निर्देशित किया। परिषद अध्यक्ष निर्मल राजेंद्र सिंह यादव ने कहा, हमारे नगर की स्कूलों की साफ सफाई एवं उसमें जिन चीजों की कमियां हैं, स्कूल में पंखों की कमियां, साफ सफाई की, पानी के लिए आरओ फिल्टर व शौचालय की साफ सफाई, स्कूल ग्राउंड में गाजर घास की सफाई और कीचड़ के लिए मिट्टी मूरम डलवाना है। जन सहयोग से सभी कार्य किए जाएंगे और भी स्कूलों में जो कार्य रहेंगे उसको पूरा किया जाएगा। स्कूलों को मॉडल बनाया जाएगा एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई खराबी न हो, इसके चलते इस पखवाड़े में आए अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष रचना पप्पू, सोनी पार्षद रईस कुरैसी आदि लोग उपस्थित रहे। मुझे बहुत खुशी हुई बच्चों से मिलकर और स्कूल के स्टाफ को मिलकर भी बहुत खुशी हुई। मैं बच्चियाँ जब आगे पढ़कर शिक्षित होंगी, जब भी हमारा अच्छे नागरिक बन पाएंगी और अच्छा बुरा सोच पाएंगी वो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पढ़ लिख कर बच्चा होशियार होंगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमें बहुत खुशी है कि बच्चा बहुत खुश है हमसे और मुझे इस बात की बहुत गर्व है। कन्याशाला का भ्रमण किया, कैसा क्या लगा आपको? अच्छे, स्कूल भी बहुत साफ सुथरी है, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो हम ठीक करवा देंगे। नगर पालिका आज क्या क्या कार्यक्रम है स्कूल ग्राउंड में भी आपकी टीम दिखाई दे रही है? यहाँ सफाई अभियान चल रहा है, जैसे जो झाड़ियाँ वगैरह है और जैसे गाजर घास है उसकी खुदाई हो रही है और सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। और जैसे बाथरूम वगैरह बच्चों की प्रॉब्लम है तो वो भी रोज सफाई होंगी और जो दूसरी प्रॉब्लम भी रहती है बच्चों की वो भी हम पूरी करेंगे। हमारी परिषद आज स्कूलों के भ्रमण पर आई है और हम ये चाहते थे कि हमारी शिक्षा के मंदिर जो स्कूल हैं उनके ग्राउंड साफ सुथरे हों, हमारे स्कूलें साफ स्वच्छ रहे ताकि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम रहे। इसी को लेकर हमारी नगर परिषद आज से स्कूलों की साफ़ सफाई का अभियान, उनके मैदानों के स्वच्छता का अभियान आज से हमने प्रारंभ किया है और लगातार नगर परिषद स्कूलों की साफ़ सफाई पर ध्यान रखेगी और ये हमारे परिसर साफ स्वच्छ रहें, ऐसा प्रयास हमारी परिषद लगातार करती रहे।